बंगाल में चुनाव अगले साल होने हैं, लेकिन नेताओं के बोल अभी से बिगड़ने शुरू हो गए हैं। बंगाल भाजपा के अध्यक्ष दिलीप घोष ने ममता बनर्जी की पार्टी को धमकी दी है। उन्होंने टीएमसी समर्थकों से कहा, या तो सुधर जाओ नहीं तो हाथ पैर तोड़ दिए जाएंगे, जान से भी मारे जा सकते हो। दिलीप घोष ने रविवार को पश्चिमी मिदनापुर जिले के हल्दिया कस्बे में एक रैली में ये बयान दिया है। घोष ने कहा कि विधानसभा चुनाव राज्य की पुलिस के जिम्मे नहीं है, बल्कि केंद्रीय सुरक्षा बलों की मौजूदगी में करवाए जाएंगे। टीएमसी के जो लोग अभी तक नहीं सुधरे हैं और आम आदमी को टॉर्चर कर रहे हैं, वो अगले 6 महीने में सुधर जाएं, नहीं तो पसलियां तोड़वा कर उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ेगा, और अगर फिर भी वो नहीं माने तो उन्हें शमशान जाना पड़ेगा। दिलीप घोष ने इसके आगे कहा कि बंगाल में हमारी पार्टी जीती तो राज्य में फिर से लोकतंत्र बहाल होगा। मैं भरोसा दिलाता हूँ कि केंद्र सरकार बंगाल के लोगों के साथ है, राज्य में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि टीएमसी सरकार के अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। आपको बता दें कि बंगाल की 294 सीटों पर अगले साल अप्रैल मई में चुनाव होने की उम्मीद है, और भाजपा ने यहां पर 200 सीटें जीतने का टारगेट तय किया है।